वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बना रहे हैं तवा नान यानी तंदूरी रोटी बना रहे हैं हम भी तवे पे। और इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैदा चाहिए हाफ कप, हाफ कप चाहिए हमें चक्की का आटा नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं, एक खाने का चम्मच चाहिए हमें दही, नमक चाहिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अजवाइन चाहिए एक चुटकी, और हाफ टी स्पून चाहिए हमें शुगर यानी चीनी चाहिए। और चीनी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं इसको एक्टिवेटर के तौर पर, इसका मकसद यहाँ पे मिठास देना नहीं है। हाफ टी स्पून चाहिए हमें घी या ऑयल, और नीम गर्म पानी चाहिए। अब इसकी डो तैयार करते हैं। तैयार करने के लिए हम इसमें मैदा डाल देंगे, चक्की का आटा डाल देंगे, इस पे डालेंगे दही, नमक, चीनी और अजवाइन, और साथ में इसमें घी भी डाल देंगे। डो बनाने के लिए हम मैदा और आटा सब मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर घी, दही और नमक तमाम चीज़ें इसमें डाल देंगे। और इसको आटे की तरह सक्सेस की डो बना लेंगे। उतना ही बनाना है जैसे हम आटा गूंथते हैं नॉर्मल। इसकी जो है वो बनाते हुए, तो अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे एक बाउल के अंदर। इसको ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा, इसको बहुत ज़्यादा हमने घी नहीं लगाना वरना रोटी जो है हमारी तवे के ऊपर चिपकेगी नहीं। तो घी का ऑयल का इस्तेमाल हमने इसलिए करना है ताकि जो है दही के साथ ये एक्टिवेट हो जाए चीज़ें, और ये इसमें खमीर बन जाए और ये राइस हो जाए। इसको राइस होने के लिए रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। 3 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसके नान बनाएंगे। पहले हम थोड़ा सा मैदा जो है डस्ट करेंगे यहाँ पे, और इसको 1 मिनट तक ऐसे इसको हम गूंदेंगे इन हथेलियों की मदद से ताकि ये स्ट्रेच हो जाए और ये ज़्यादा अच्छे से बेल लेंगे। इस तरह से बाकी सारे कर लेंगे। लिया है इस पे, अब हम एक साइड पे जो साइड हमने तवे पे लगानी है उस साइड पे हम पानी लगा देंगे। इस तरह से इसके किनारों तक अच्छी तरह से पानी लगा देंगे। और तवा हमने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया है, गर्म हो चुका है, अब उस पे लगा। जिस साइड पे हमने पानी लगाया है उस साइड को हम इस तरह से तवे पे लगा देंगे। तवा पहले से प्री हीट किया हुआ है और इसके बबल्स आने का इंतज़ार करेंगे। देखिए इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, और बबल्स जितने अच्छे आएंगे इसका मतलब है कि आटा उतना ही अच्छा हमारा बना हुआ है। तो जैसे बबल्स आ जाएंगे तो हम इसको फ्लिप करेंगे और इसको पलट के सेक लेंगे दूसरी साइड से, ये इस तरह से। जो इस तरह से तवा घुमाएंगे तो ये देखिए पकना शुरू हो गई है। तैयार, ये देखिए कितना प्यारा इसका जो है टेक्सचर आया है। तो इसको हम सर्व करेंगे भुजिया के साथ।
तो आप घर पे ही बगैर तंदूर की रोटी जो इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा, और तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।